الحاج ممتاز احمد خان تقریر کی گہرائی سے استقبال کیا جاتا ہے. صاحب جعفر پاشا صاحب، میرے برادرم جناب اظہر بھائی صاحب، جناب عزیز صاحب سابق کارپوریٹر، میرے ساتھی ریاض افندی صاحب کارپوریٹر، میرے برادرم تلاوت صاحب، بھائی شکیل صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس مرتبہ مجھے حلقہ چار مینار سے ایم ایل اے کے لیے کھڑا کیا گیا. چونکہ یہ علاقہ میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے، میں اس سے قبل بھی تین میعاد تک پندرہ برس تک اس حلقے کا ایم ایل اے رہا. آج اور پھر الحمدللہ اس مرتبہ بھی مجھے آپ لوگوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. میں آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ جیسا کہ مجلس اتحاد المسلمین آج شہر حیدرآباد میں اپنے امیدواروں کا اعلان کی اور اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت سے اعلان ہوا الحمدللہ پبلک کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. میں نہیں سمجھتا کہ آج بڑی بڑی جماعتیں ہیں لیکن کسی کے ناموں کا اعلان نہیں ہوا. جس وقت سے اعلان ہوا آج شہر حیدرآباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی ایک دھوم ہے اور الحمدللہ پبلک کا اتنا ریسپانس ہے. چونکہ چار مینار کا یہ علاقہ میرے لیے تو کوئی نیا نہیں ہے لیکن جو دیگر علاقے ہیں چار مینار کے حسینی عالم وغیرہ کے کھوکا کی ٹٹی اس علاقوں کے اندر بھی مجلس اتحاد المسلمین کی پبلک کے اندر اتنی چاہت ہے کہ میں خود بھی سمجھ نہیں سکا. چونکہ میں اس علاقے کا دورہ کیا کیا وہاں کے جو مقامی ابتدائی کے صدر و معتمدین ہیں وہ لوگ مجھ سے یہ کہے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں جو بستی کے بزرگ حضرات ہیں ان سے ملاقات کریں گے تو. لیکن جب میں ان بستیوں کے اندر داخل ہوا
तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बस्तियों के अंदर हर घर पर लोग ये कह रहे थे कि हमारे घर पर आइए, और जो गुलपोशियों का सिलसिला जारी हुआ तो कम से कम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक उस इलाके के अंदर मैं डोर टू डोर फिर कर लोगों से मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से चाहत का इजहार किया। चूंकि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारे मुल्क के कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की गूंज है, और सारे हिंदुस्तान के कोने कोने के मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कायम की जाए। चूंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शहर हैदराबाद के अंदर ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रही है, आज शहर हैदराबाद में, आज सारे मुल्क में बड़ी बड़ी जमातें हैं, उमूमन लोगों की ये सोच होती है जिनके अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब होकर आते हैं उनकी सिर्फ जिम्मेदारी बेसिक कम्युनिटीज की हद तक रहती है, नल लाइट मोरी वगैरह की हद तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इससे हटकर जो काम किए, आज वो साबिक सदर मोहतरम हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से भर दे। अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अवेसी साहब ने जो एक दूर अंदेश क़यादत थी 1984 के दहे के अंदर दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाए, उस वक्त के जो दानिश्वर थे जो पढ़े लिखे लोग थे वो ये कह रहे थे क्या ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रिक्शे वाले और झटके वालों की जमात क्या मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज चला सकती है। लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में जो जाल बिछा दिया है उसकी मिसाल सारे मुल्क के अंदर नहीं मिल सकती। आज अल्हम्दुलिल्लाह दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर्स और इंजीनियर बड़े बड़े ओहदों पर फायज है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बेसिक कम्युनिटी से हटकर भी तालीमी मैदान में रात और दिन मेहनत करते आ रही है। चूंकि आज के जमाने के अंदर खुसूस कर हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर तालीम बेहद जरूरी है, जब इंसान के अंदर तालीम आती है तो उसको अच्छे बुरे की तमीज पैदा होती है, उसमें शऊर पैदा होता है। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वो दूर अंदेश क़यादत ने उस वक्त ये महसूस किया करके अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी मैदान में कदम रखा था। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज सारे इदारे चला रहे है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पास MBA MCA नर्सिंग और तमाम कॉलेज चलाए जा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है, जैसा कि जब भी इलेक्शन आता है तो मुखालिफिन और मिल्लत फरोज हमारे दरमियान में आकर एक तफरीका पैदा करने की कोशिश करते हैं। चूंकि इस हल्के के लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस किस तरीके से काम कर रही है, तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि आप इस इंतखाबात के अंदर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करें, न सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करें बल्कि ऐसी अक्सरियत से मुंतखब करें कि सामने वालों के दांत खट्टे हो जाएं, फिर कभी वो लोग सोचने की कोशिश न करें। अल्लाह के फजल करम से आज वो माहौल बनते आ रहा है, जैसे कि आज हल्के चार मीनार के अंदर हर जमात के उम्मीदवार को ये सोचना पड़ रहा है कि मैं चार मीनार से खड़े रहूं या ना रहूं, क्योंकि ये आप लोगों की चाहत का अंदाजा है कि सामने आने लोग इतना घबरा रहे हैं कि जैसा नामपल्ली इलाका है दूसरे जो दीगर इलाके हैं बहुत सारे उम्मीदवारों के पिछले 2 महीने से नाम लिए जा रहे थे लेकिन कोई भी अमली मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। शुक्रिया।